जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको अमरनाथ यात्रा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, वो सारी मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप 2019 की यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी आपको। उससे पहले डॉक्यूमेंट संबंधित आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। मैंने पूरी कर समथिंग समथिंग पूरी तैयारी कर ली है, और इस वीडियो में मैं ये जितना हो सके उतना मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरे, इसमें कौन सी जगह क्या लिखे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। और ये हम 2019 यात्रा के अंदर हम 15 कैंडिडेट जाएंगे, उसके लिए मैंने करीबन करीबन सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए। अब की बार अमरनाथ यात्रा के फॉर्म पिछली बार 1 मार्च से भरने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस बार 1 महीना लेट भरेंगे, 1 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने लग जाएंगे। ये जो फॉर्म अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पे मिले हैं, 2 फॉर्म आए हैं अभी, ये 2 फॉर्म मैंने कंप्लीट कर लिए। आप भी चाहते हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं ये जो वीडियो आपके लिए बनाया वो हेल्प आपकी कुछ मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारी टीम है, उसके सभी मेंबर हैं, हम 16 17 मेंबर हैं। इनमें से हमारे 2 मेंबर नहीं जा सकते हैं, हो सकता है उनको कोई काम पड़ जाए, लेकिन 14 मेंबर तो हम इस टूर के अंदर जाएंगे। और आप देख सकते हो मैंने ये हम सभी का करीबन करीबन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। मैं इस मेरा उद्देश्य है कि इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूं, इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा नेम, यहाँ पे आपका पूरा नेम, जैसे मेरा नाम राजेश सैनी है तो मैंने मेरा पूरा नाम डाला सनोप। यहाँ पे आप आपके पिताजी का नाम डाल सकते हो, आगे आपका जो कंटिन्यू पूरा एड्रेस है वो आप पूरा एड्रेस डालिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्मतिथि क्या है वो डालिए। आपके शरीर से कितना डालूँ, यहाँ पे मेरे शरीर पे बहुत सारे निशान है लेकिन उनमें से कौन सा बेटर रहेगा ये सोच के सोच समझ के मैं वो डाल दूंगा। और यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप डाल देना, और ये आप अच्छी तरह इनको स्टडी कर लेना, इनमें से जो आपके बीमारी है उसको तो यस करना, और इनमें से आपके कोई बीमारी नहीं है तो उसको नो कर देता करना। और ये आपको लास्ट वाला ऑप्शन केवल महिलाओं के लिए है, ये महिला प्रेग्नेंट है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो वरना नो कर दीजिए। और इनको भी आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए कि आपके पहले से किसी को हार्ट अटैक आया है, आपको है जो भी बीमारी है उनके लिए आपको इसमें नहीं। मेरे भोलेनाथ की कृपा से मेरे इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है, और ना पहले इनमें से कोई मेरी दिक्कत है, तो इनमें मैंने नो कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि आप मेडिकल, ये मेडिकल फॉर्म है, आपको ये बता देता हूँ, हेल्थ मेडिकल वाला फॉर्म है, तो ये आपको भर लेना है। वो नज़दीक के CNC स्वास्थ्य केंद्र है जो आपको अमरनाथ यात्रा साइड पे मिल जाएगी, उस पे देख सकते हो आप कौन से हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है। और आपके ऊपर ही ऊपर यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है अपनी, जो प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो है वो ही लगानी है, ना कि पहले की फ़ोटो लगाओ आप। और इसके बाद में इसको मेडिकल फॉर्म को ले जाके डॉक्टर के पास जो आपको दे रखा है उसमें जिस हॉस्पिटल में चले जाइए वहाँ पे इसको सही करवा लीजिए, मोहर लगवा दीजिए, वो जो अपने लिखना चाहेगा वो लिख दे। मेरे इस फॉर्म में उसने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि तो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो गए थे, इस वजह से उसने देख सकते हो इसने जो भी मेरी जांच की थी उसने पूरे करीबन करीबन सबका लिखा है। और दूसरा फॉर्म आता है ये एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको वही प्रोसेस करना है। आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म,
ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस फॉर्म में बता देता हूँ। इसमें ऊपर ऊपर आपका नाम, फीमेल हो मेल हो, ब्लड ग्रुप, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे एज पूछ रहा है, यहाँ पे एज बता देना है कितने साल के हो गए, यहाँ आपका पिताजी का नाम, और यहाँ पे आप जो एड्रेस है आपका वो बताना है, यहाँ पे आपके एसटीडी नंबर हो तो मेंशन करना है, नहीं तो, और दूसरे नंबर यहाँ पे आपके नंबर, और यहाँ पे अदर कॉन्टेक्ट नंबर आपको वो मेंशन करना है, और ये फर्स्ट नंबर पे आपको रूट चूज करना है कि चंदनवाड़ी से आप यात्रा करोगे या बालटाल से यात्रा करो। आपको ये बता देता हूँ, चंदनवाड़ी का रूट है वो करीबन 26 किलोमीटर के समथिंग है, और बालटाल वाला रूट है 14 किलोमीटर है। चंदनवाड़ी वाला रूट इतना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए आपको 3 दिन चाहिए, और बालटाल वाले रूट के लिए सिर्फ आपको 2 दिन चाहिए, एक दिन जाने का और एक दिन आने का, और इसमें 3 दिन चाहिए आपको। इस वजह से हमने बालटाल रूट चूज किया है। और कितनी तारीख से आप यात्रा करना चाहोगे वो मेंशन कर देना है, और यहाँ पे आपका इस ऑप्शन में आपको ये लिखना है कि इसमें जो अमर आपकी मृत्यु हो जाए या और कुछ हो जाए उसका जो इंश्योरेंस का पैसा आपको किसको मिले वो मेंशन कर देता हूँ। ये देख सकते हो, पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिले, तो इन्होंने बताया कि नॉर्थन सैनी, सनोप सोलाल सैनी, और इनका इनके पिताजी की क्या उम्र है, 45, और ये क्या रिश्ता है, रिलेशन फादर, ये सब कुछ भरना है, उनके यहाँ लास्ट में उनके सिग्नेचर, ये सब कुछ भर के आपको जो जिस बैंक में आपका लेना चाहे हो, ये पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक, यहाँ पे जाइए और इन फॉर्म को ले जाके आप अपने जो अमरनाथ यात्रा की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस यात्रा में वही इंसान जाता है जो भोलेनाथ की कृपा होती है और भोलेनाथ से रिश्ता होता है। पिछली साल आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त यात्रा पे चले गए, लेकिन भोलेनाथ का बुलावा नहीं था, रास्ते से वापस आ गए। तो आप इस यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो तो पूरी जानकारी लीजिए, इसको कैसे यात्रा करनी है सब कुछ, यात्रा की पूरी जानकारी लीजिए, इसकी क्या क्या अपने शरीर को फिट रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो सारे उपाय अपनाइए। और एक दूसरी एक और बात बता देता हूँ कि आप सुबह मॉर्निंग में करीबन 10 से 8-10 किलोमीटर रनिंग कीजिए, जिससे कि आपको पर्वत पर चढ़ने की जो आपकी क्षमता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो। और वैसे इतनी लोग बोलते हैं अमरनाथ यात्रा वैसी है बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो आतंकी हमला होता है उसके लिए अपन इंडिया आर्मी वाले अपन की पूरी निगरानी रखते हैं, और यात्रा अच्छी से होगी। हमारा ग्रुप पहली बार ये यात्रा करेगा। हम भोलेनाथ से ये विनती करते हैं ये कि हमारी यात्रा सुखद हो, बढ़िया हो,